हरे राम जोगिया भोले बाबा जोगिया हरे राम। भैया बतिया अगवा के सुना हो मोरे रामा रामा कंपनिया लड़ैया दे सुना। अरे जिन सहजन को गाना सुनना है रामा कैसी रिकॉर्डिंग से ले अरे रतियों दिन गनवा सुनल करी है विपत गनवा रामा में भरल करी है लेकिन देखा बात यहाँ का आ गई लड़ाई वाली सीन भी रस कहो तो देखा अरब पनिया के ऊपर जिंदा गनिया टिकली हो पनिया के ऊपर जमनवा हो बाई अरे पनिया के खातिन रोइले बबुनिया अरे राम इज्जती बची की ना तारी के वारू अरे चान वा बबुनिया मोरे राम खेवैया कहवा गाई रे हो राम। फिर कहती है कि भैया रूदल कब आईबा वाणी के कन्हैया मोरे राम मोर बचाई है हो राम। अबला इस तरह से रो रही है माँ मल्ला इस तरह से रो रही है और उस समय में डोला सब दुष्ट ने खेल लिए दुश्मन। अब लड़कियों के डोले के ऊपर बदस जवान घेरे ललकार सूरज यो चंदन सिंह बोले कहरो डोला ले वो उठाए अरे तबले यस्यरवा हो महो बाबा के लवटन अरे ब्रह्मा बीरवा पहुंचा ललकार अरे धाई के दहाड़ दिया लई के तलवारी के दहाड़ दिया लई के चंदन को दिया हल्ला लक्का अरे पापी हाटी जाए डोला से जला दे नहीं तो खो सब ते गावे पार हो जा यतना या कहता या या खेले ब्रह्मा सिंह दिल्ली वाले ब्रह्मा पे पार चारों ओर से दिल्ली वाली सेना घेरी हर बीच में ब्रह्मा बलवाय दान 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 बोलवाई अब चलावर भैया ब्रह्मा तबले देखलई देखलई घोड़ा सन्न देखोड़ा उड़ गया गोली गोलाय हर डेढ़ घंटा लोग छोड़लस अरियर यार 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 लेकिन गोली गोला जब खर्च हो गया अब तब लोग देखते हैं कि ब्रह्मा कहाँ गया ब्रह्मा का पता नहीं अब डोला पर चलो धावा बोल दो तब तक गगनवा से भैया हो घोड़ावा देहल सूरज के कपड़े पे उतार टप दे घोड़ा चू गल अरे मरलस खींच के तेगा यकती गांव मारा सूरज पर मुंडी नाच गिरल भरा आहा
ए चंदन सिंह ललकारा की ब्रह्मा खबरदार हो जाए। चंदन सिंह पाय ब्रह्म या ठाकुर हरि के मार जलन तलवार। चंदन सिंह का ये गरदन कटी गतया बल्ला लकारा दहाड़ा बलवा। पता का फहरावत दौड़त जहाँ जहाँ वीर रहे लल। अरे घोड़ा दौड़ाई के अब शेरवन का तो महरन लगा ब्रह्मा बलवा। अरे सेना तिड़िया बिड़िया पीरधी की तब लोग सिपाही भाग के जाए। भाग के सिपाही पृथ्वीराज से कहते हैं, सरकार आप तंबू में बैठे हुए हैं, ब्रह्मा अकेले आया, दोनों बेटे की गर्दन काट लिया सूरज और चंद्रन तो मारे गए, और भाई रंजित तो सरदन मर्दन को मारा और ब्रह्मा सूरज और चंद्रन को मार दिया, अब क्या होगा। तब पृथ्वीराज कहा, अब ब्रह्मा से लड़े बदे हम ही अकेले चलब, पूरी सेना तंबू छोड़ के ललकार चलब। उसमें देखिए सरदन और मर्दन सूरज और चंदन तो मरे ही गए थे, लेकिन बाकी कौन थे, पारस धाधु ताहर तीन जवान और चौथा चौड़ा पंडित फौज का मैनेजर। ये 7 लाख से सेना लेकर के धावा बोल दिया सज्जनों, अगर चारों ओर से धावा बोल देता है उस समय का भाव अब बतावे पड़ल। अरे दुखा कन्हैया तो परी बीच धरिया हो, अब नाखैया रुदल बिन मूरी भैया। हाय हाय चारों ओर से ब्रह्मा के घेराई लहले पपिया, ठाए ठाए गोलाल कै कैले बाऊ छरिया। बाऊ ब्रह्मा देखे गोली गोला छूटत गगन में हो, यापन देहले घोड़ा उड़ाई हो गगन। गोली गोला बंद भैले तब लेके तेगा आईले, और ताड़ ठोंकी कूदी गए समर में बाला। समर भूमि पर ब्रह्मा ठीक कहा कि आए पृथ्वीराज अदब तुम्हारी हम मानत हैं, ले लो तुम तो नमस्कार, क्योंकि पद में मेरे ससुर लगती हूँ मैं दामाद लगूं तुहार। और क्या करते हो नात बात साथों में चिट्ठी कैसी दिए पठवाए। हम तो जाने सही बात है धोखा कियो हमारे साथ, माहिल के कहने से दादा दियो रुदल भैया को निकाल, और अवसर पाके अपना तुम तो बदल चुकाते सुन लो वीर चौहान बलवान। और एक रुदल भले ना हुई है लेकिन ब्रह्मा लड़ी दिन रात, बात बात में सरबर हो गए बातन बाढ़ गई तकरार। तब फिर थी सब ही से बोला अकेले कितना लड़ी जवान, घेरिक मुड़ी एकर काटा भल बिटिया मुराड़ी हो जाए। हाय हाय तब तक धांधु धई के डटलाई दादा तुम्हें पता है ना। हाय हाय बेलवा ब्याह कियो इनके संग मांग में से नुर्दी पहनाए, ब्रह्मा के जब मारी डरबा लड़की तोर विधवा हो जाए। आहे पृथ्वीराज तब कहा चिंता ये नहीं है कैसो जान दुश्मन कह जाए। दाए पानी सब दीगों को पीरथी आगे दिया बढ़ाए। आहाय लाए लाए तेल डाल लाए लाए भाला ले ले घड़ा सब है तैयार, घेर लियो ब्रह्मा को जिस दिन तब ब्रह्मा का सुना दस्तान। दांत रास घो एक दाबे दोनों कर पकड़े तलवार, राम बना यो बन गई है दूसरे कमल बना बनार, जाल हथेली पर रख करके अपनी खींच खींच तलवार। जय बजरंगी संगी भैया मर पहुंचे के बीच मझार, और बाज
आसमान गिराई दुश्मन पर मूड़ी कटाई निकल जाए पार। हे गए ब्रह्मा, हो गए ब्रह्मा, ब्रह्मा निकल जाए वही पार। आय हाय जे के सरिया वही मुक्का से निहुरल तीन मील ले जाए। जे के मारी दे पेड़ा से दरिये खूल फेंक मर जाए। जे के खींच तमाचा मारे चौ भर लिए दांत उड़ जाए। हालू कई मुक्का गिन के मारे गिन के सुन सुन रगर तबाए। हाँ पर धरती पर पटक जैसे मिर्गी आवत बाय। हाय बुल्ला यसी अखिया बहिराई मानो काल कमूहल बाय। मार देगी कह जब ब्रह्मा कह कोई कह अकिल ठकाने लाए। तब तो बोले हैं पारस सिंह दादा सुनो हमारी बात। यह पट्ठा नहीं हमसे और चौड़ा से योद्धा धू से मरी है ना। बिना तुम्हारे शरणा हुई है मारो शब्द वेद मार। तब शब्द वेद बड़वा उठाया पपिया फिर थी। अरे ससुर जमाई के लड़ाई होई देखा के कर विजय होई के कर विदाई होई। आया है शब्द मेरी बाण उठा लेता है पृथ्वीराज जिसका वार्न खाली जाता है सजनों। अरे धनुष से ऊपर बाण चढ़ाया लेकर रामचंद्र का नाम आए। अरे तबले तर दे सुआ हो ब्रह्मा के चूं गई रे। अरे कहां चल गई रूदल भैया रे हमार। या बनाई अब बनवा से परना हमारा बाची है। ले फिकरी हमके होना लेकिन फिकरिया हुए हमारी जई गति। अरे भैया, अरे भैया रूदल जल्दी आई जाता हमार। कहां से यहां से अब नहीं आई ब्या भैया तब कब जइबा। अरे पाँच झोलिया बुतैबा हो आए हरे रे बिंदुला अरे के चढ़ोइया। अरे कहाँ चली गई लाल हुरवा रे भाए तारा तरैया तू आए तू है ब्रह्मा के। ना टारी वो हर देखत बाए हाय हो ललनवा तू सपनवा होई गई लाए। ए बाबू उसमें हुआ क्या? ब्रह्मा को चारों ओर से सब दुष्ट दुश्मन घेर ली चुके हैं। ब्रह्मा की मौत आने वाली है। इधर लाल कमान धनुष पर रख करके बाण पृथ्वीराज जब सधे निशाना लग ब्रह्मा समझ गया कि अब तो जान हमारा जाएगा लेकिन इसके जान जाने के पहले कुछ करके जाऊं। ब्रह्मा किया क्या, जो शब्दवेदी बाण अपने धनुष पृथ्वीराज रखा और जो निशाना लिया तब तक सम्मोहन बनवा अब उठाया ब्रह्मा बलवनवा। अरे जल्दी से बनवा दिया सर से चला आए जब ले पृथ्वी ठाकुर बाण अपन हो संभाल। और तब तक दिया ब्रह्म बड़वा चला आए जाई के नी मस्तक में चुभल पीरथी पृथ्वी थू थू न रगाता। और हौदय में गिरिए गई ले पृथ्वी राय चाकर आयो पीठा वाला हो क्या। विराज को चक्कर आ गया हौद में हाथी के गिर पड़ा और खून उसके मस्तक से चू रहा था बाण चुभ गया है बेहोशी में आया। तब तक ब्रह्मा सिंह तम मौका पाया अगल बगल के
घेरे बाय अगल बगल में धाय धाय तेगा सबके मुड़ी काटत बाय सर 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 तेगा चलावे खर खर बहे खून के धार खूनवा में घोड़वा नहाए लगल उसके तेगवा कधरिया तब तेज भाई ले भाई साहब करुआ पानी के तलवार में होवा के तेगा जो खून पावत हो और तेज रफ्तार धार हो जात हो अब यार ब्रह्मा अगल बगल में सब जवानों को मारने लगे और तब तक मूर्छा जाग गया पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज कहा बच्चे शाबाश शाबाश तेरी मर्दूमी को है अब समझ जाओ तेरी मौत आ चुकी। यह कई बड़वा यार उठाया वीर का अरे ब्रह्मा पे ताला लाल निशान अरे तब दिन सुली हो ब्रह्मा के अरे माई दुर्गा कहाँ गईली रे हमार अरे तब तक खबर हर तनि सुनी ला रुदल तमुआ में बैठा बा वही समय में रुदल तमु में बैठे थे और कहा कि अय रूपन बारी बेंदुला को तनी नदी में ले जा पानी पिला दे और थोड़ा सा इसको धो दे और धो के और घोड़ा पिला के पानी ला। जब गए और देखा है आधी नदी या खून बहत है आधी बहे पानी के धार आए है अब तमाम मुड़ी अब मूर्दन कै लसिया बहर उती अरे भागी के निरूपण तब कहला रुदल से अरे भैया समय खून पमट तबाए पानी नहीं वो तो खून लहता है तब रुदल दे भास्कर रे तिवारी अरे तीज कजरिया कहिया आ कल तीज कजरिया यही है दिन के आस 10 बजे 9 बजे करार कैला है हर दिन के 3 बज गए तीज कजरिया अब कैया पूरा हुई है अरे साई लगली लड़ाई अरे भाई अरे तब होश आई गए अपने कहले कत कसम को होश रुदल के गए उल्टा बम सम करवाया जंगी छोप दिया बजवा मारुआ लश्करिया में लकड़ी मार मार चिल्ला पलटन काली पलटन भय मन राजी बेसुमार हनुम कारणी गर्भ गिरावन किला उड़ावन तो बिलदाय बरबर तो पाए धाद के पक्के मन मन गोला खाए लदी गए खैली बारू तन के काठी मर मर बोलत बाय लब लब सब लब के बेला चमचमाए ते गन के धान आग रस के भैया चढ़ाए घोड़न के नाल चलाए बहादुर होबा वाले कमर कसे ढाल तलवार गोल आके पीठी पे रुदल वीर हुआ सवार घोड़ा मनुर्धा आके पीठी पे देवा वीर भय तैयार और भुरी हाथी के पीठी पे लाखन वीर भय तैयार ऐसी घोड़ी के पीठी पर सैयद चचा भय तैयार ले गड़ा सब है तैयार धावा बोल दिया निबर लीला दिखो नारायण चार अरे जहाँ घोड़ा उड़ावा तरू दल दे सैयद रुदल और भास सैयद घोड़ा उड़ा देते हैं और कहते हैं कि सही लखन भैया तेरी हाथी तो भूरी नहीं उड़ने वाला है अब भूरे हाथी को लेकर के सेना के साथ धावा बोलते हैं आओ हम सब घोड़ा उड़ा के चलें देखें भैया डोला किस खतरे में है। घोड़ा उड़ाते हुए रुदल और देभा और सैयद तीनों बहादुर पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्मा पर पृथ्वी ताने वाय लाल कमान अरे बनवा छुटे वाला रहले तबले शेर रुदल बेदुल चुआई रे तबले शेर रुदल बेदुल चुआई रे हो चुई दिहले अरे चुई दिहले अपने भैया के जनवा बचाइल समय ब्रह्मा को जिस समय पृथ्वीराज घेरा था बाण से कहा कि अब बच नहीं सकोगे ब्रह्मा उस समय मौन हो चुका था कि अब जान जाने वाला है। इधर पृथ्वीराज अपने बहादुरों को ललकार दिया है कि डोला सब लड़कियों को लूट के लेके चल चलो दिल्ली। इधर देखिए चौड़ा चंद्रावली का डोला उठा लेता है और डोला चंद्रावली का लेकर के अपने हाथी पर रख लेता है
और लिए हाथी भगता हुआ चौड़ा ब्राह्मण भाग रहा था, दिल्ली आ रहा था। और इधर मल्हना के गले का हार पारस सिंह मांग रहा था कि अरे मल्हना तुम बुढ़ी हो, इस वजह से तेरे ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहता हूं और अदब तेरी मांग करके हार मांग रहा हूं, हार दे दे जल्दी से जल्द, जल्द से जल्द हार दे दे। और ना ब्रह्मा की मौत तो अब आई गई, ब्रह्मा तो घेरा गया है, अब मरने वाला है, लेकिन तू हार दे दे। तम मल्हना के चूहे लाल नयन जल आर, हाई रे में दुलवार के चढ़ो तब तक झूठल रुदल बलवा। अरे जाई के नीस जेभा को लल विभा तिवारी, देख देख लड़कियों का डोला पर कौन कौन है, हम यार ब्रह्मा के जान बचाओ तुम। इबाऊ यहर रुदल ब्रह्मा के आगे कूद पड़े, पृथ्वीराज को ललकार दिया कि अरे पृथ्वीराज तुम्हें शर्म नहीं आती है, तेरी जोड़ के राजा परमाल है, अगर परमाल लेकर हथियार आए होते उन पर शब्द वेदी बाण चलाए होते, जय चंद होते तो उन पर बाण चलाए होते, आपका जैसे लड़का सरदन मर्दन सूरज चंदन पारस धाधु है उसी तरह से लड़का यह ब्रह्मा आपका है। क्यों कि लड़के आपके हैं जिस उम्र के उस उम्र के ब्रह्मा है, तो अगर आप राजनैतिक दृष्टि से लड़ना और देखना चाहते हो तो राजनीत नहीं कहता है कि एक बच्चे के सामने बुढ़ा आके आक्रमण करे या बुढ़े को बच्चा एक परेशान करे, तो अदब तेरी ये मान करके और तुमसे बार बार ही कहता है कि लड़ाई मत करो, अपने बेटे को लड़ाई के लिए भेजो, बेटे को भेज दो इससे लड़ाई करें, तुम क्यों इसके ऊपर बाण चलाते हो, शर्म नहीं आती। पृथ्वीराज को शर्म आ गई, तुरंत हथियार रख देता है। उस समय दल ब्रह्मा को यह कह के बचाया, तब तक लाखन ठाकुर आया। लाखन कहा रुदल भाई हट जाओ, मैं पृथ्वीराज से जंग करूंगा, अब इनकी ताकत को देखूंगा कि कितने वीर हैं तलवार और बदला ले भाई संयोगिता कह, तब छाती के मीटे आर मान। यह कह के या ब्रह्मा यह कह के रुदल सिंह ठाकुर को लाखन ठाकुर दिया हटाए, और यह रुदल यौडेवा पंडित दोनों जब पृथ्वी पर एक लाइन में सैयद हो गई, एक में भयो रुदल बलवान, लेकिन यहाँ वहाँ पे डोला चंद्रावली के लहले जाला। और मल्हना से देवा कहले सुना कहा महतैया अब हम सब आए गए, अरे कहा कुशली देवी बतला, अरे डांट के भगौले मरल तेगा पार सौपत पार डोला छोड़ के हट गया पीछे। आ इधर से तब तक हुआ क्या, मल्हना से पूछा, मल्हना से देवा पूछले का हो, मल्हना कलश कि हे जोगी बाबा या बहिन के कहीं यही ला, और लड़की कई डोलवा लई के चौड़ा भागल जाए। तब तक रूदा ला ला लका और यहाँ घोड़ा दे और दे भाई रूदल हो गए हो पारतिया, सात कोस निकल चुका चौड़ा बल भाई, अब सात कोस निकल चुका था, दिल्ली की तरफ आ चुका था। और तब तक दोनों बहादुर अपने घोड़े को धारते उड़ाते, अरे चौड़ा के मस्तक पर जूठी अरे ऊपर ऐसे चूर की अपकर रही रुदल सिंह, चौड़ा के घेखा पर धरा सरकार आए कहा चौड़ा या डोला लेके जार बताया वह कहा खून सी दे चौड़ा या रुदल के या डर के मारे तो हाली हाली छल छल मुंह दबाए उदे से कूदी गया या डोलावा छोड़ी डोलावा या लिया या देवा लेके या डोला ये कहा थमे अब भी दुल को दिया उड़ा, और लेके नी डोला आया वा तरा सते में तता वा तक देखा पीथो राय
अरे कह बच्चो काई देरी अब तो लगावत बेटा डोला लेके जोगी देखाया घेर रही है में डोला के लूटे बदे घेर लिए रुदल को तब तक लाखन भाला लेके पहुंचे समर भूम मैदान समर भूम पर लाखन पहुंचे ले बजरंग बली के नाम यो हाथी भूरी के पीठी पर लाखन वीर रहाय सवार तब रुदल से लाखन बोले भैया सुना रुदल भरमान अपन ओसरी गाजर कैला हमार ओसरी यहाँ पे बाए दायदा डोला हम बहनी कई अब हम रख बे हाथी मझार डोला ले वैया कई मुँह देख भूरी देव जगह पार हो जाए यह कई लाखन डोला लेके अब हाथी पलिया धर और मूर्चा भैया देखा हम फिर थी से गहत तलवार डाप पथावा डाप दहाड़ा तब लाखन सिंह तब फिर थी से कहा सुनाए अजब बहादुर मेरे तेरे जाए फरियाए तब फिर थी देख हम लाए धन गोल तब सोचे भिख मंगा हाए समझ भिखमंगा तब लाखन को हाथी अपन दिया हटाए समझ भिखाई दी तब तब फिर थी अपन हाथी दिया बढ़ाए नौ लख हाथी थे पृथ्वी के एक से एक रंगी ले जान एक है कोई दतैला कोई मकुना कोई सुंड बहावत जाए घेर लिया लाखन को चारों ओर से लाखन जब पर जाए वही समय में रुदल लड़ते पहुंचा लाखन सिंह के पास भैया लाखन कई लाख से हाथी झुंड घेरे ललकार कहते एक बार हम मारित लाखन वीर कहा ललकार तुम्हारा ओसरी रह गाजर के तुम्हारी ओसरी यहाँ पबाए हे भाई कोई मत आओ यहाँ पाई अकेल गह ढाल तलवार किसान पोती भंडारी मत हो आगे देखो मरदई हाय आगे देखो मरदई हमार ई बतिया कह के लाखन भलवा चलावे लगले अपने दुश्मन का गर्दन उड़ावे भाई साहब दुश्मन का जब गर्दन उड़ाते हैं तो होता है क्या अरे भाला मारी देत जही हाथी पतहाई थी का फाटी खून पर आ जाए जकरे या छाती पु भाला या मारत वाला या हालती कले जा जाए पसली या हांडी या तोरी निकल जात तब पीर थी को दहाड़ आ जाए पचसा तब ललकाई राया है भूरही को भूरही खेत जे वाला ललका मारा भूरही ठोकर मकुना को तपीर थी कहा थी भगल ललका जय आय थी गय भूरही पावत धाई के दादी के चहटत जाए रह बलवान उनका भूरा हाथी जे करे बलकै नहीं सुहार हरत भला चल लाखन कत हर लड़ रुदल भैया जतनी से नया रही पीरथी के तरुदल भकाठी करे खरिहार आय और बकी लाखन सिंह मारत तनिया गवा सुने दसता भई तबल समय में चवाढ़ाया देखो पीरथी देखो तलवार घोड़ावा बेदुलावा को पियथी चीन है लेकिन रुदा लेके चीन ही पावे तब तक धाई धुए चौड़ाई देखल की हाय कानक कुंडल जोगिया के बाय मथवा पगुलिया दाग रुदा लेके तो इहे निशानी बताओ अरे तब तक चौड़ाई कहे या पीरथी से की दाई दाई सुनो हमारी बाय अरे ही तब नाई जोगी या खुली बात तो ई तो आयल रुदल बलवान डबल चुती आवा तो महिला फसाई के तो जोगी के बेस में बोलाऊ ले अरे भाई गव भाई गव भाई गव भागत आए गय देव कुवर बिना बेदुला या कह चढ़वैया तके यस गही ढाल तलवार Thank you.
रामा हो रामा। ए भैया आगे के दास्तान मेरे श्रोताओं, इस रामा कैसेट रिकॉर्डिंग से तीरथ सागर भुजरियों की लड़ाई का अंतिम भाग और अंतिम दास्तान वीर रस और करुणा रस पर दोनों है। अब बात आगे यहां से आ गई किस तरह कि पृथ्वीराज जान गए कि यह रुदल है कि देवा है, कोई समझ में बात आती नहीं, लेकिन बिना भेदुला का चढ़वैया ऐसा कौन गहे तल, लेकिन फिर सोचता है, मुर्जा तो हटा लेता है पृथ्वीराज, लेकिन फिर सोचा कि रुदल अगर होता तो ये जोगी बन के क्यों आता, उसे क्या पड़ी थी भिखारी बन के आएगा, उसे विश्वास नहीं होता है। कुछ दूर तो भाग गए लोग तम्बू कना छोड़ के, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये भिखारी है कोई, और इस भिखारियों से भागेंगे तो दिल्ली की शान चली जाएगी कि एक भिखारी के मारने से। भाग गए पृथ्वीराज चौं हान, फिर दोबारा भा बोले सुजनो, पृथ्वीराज तो भाग चुका था लेकिन फिर पलट के दोबारा धवा बोल दिया, कहा कि घेर लो। और जिस समय पृथ्वीराज अपने बहादुरों को लेकर के फिर सागर मदन ताल के घाट पर घेरवा लेता है कि सागर भुजरिया की लड़ाई इस जगह पर अंतिम पादान के सीन पर आप देखें। मेरे दोस्तों हुआ क्या, अरे कहा जाता है शरीफों की गरीबी में सराफत कम नहीं होती, अरे सोना लाख टुकड़ा हो मगर कीमत कम नहीं होती। रुदल भिखारी बनने से थोड़ो उसकी कीमत कम होगी, लेकिन पृथ्वीराज नहीं समझ सका, उसे शक होती है कि नहीं नहीं वह जोगी है, कोई कहता नहीं रुदल है, कोई कहता नहीं जोगी है, सिद्ध नहीं कर पाए। फिर पलट करके आ गए सेना लेके, फिर धावा बोली, कहां धावा बोले सागर मदन ताल के जब घटवा पे गिरवी चंद्रावल रही हो से भैया वही समय कैया हे घटना लीलाए देखाए की हाल इस तरह से है। मेरे दोस्तों जब चारों तरफ से पृथ्वीराज घेर लेता है तो हुआ क्या, गिरवी चंद्रावल जी समय दोनों में करके और सिरवाने के लिए सागर मदन ताल पर पहुंचती है तो चंद्रावली के सामने लाखन देवा सैयद सब लोग तैयार थे। चंद्रावली अपने माँ से पूछी है और सहेलियों की डोली सब इकट्ठा हो चुकी है सागर मदन ताल पर। चंद्रावली अपने माँ से पूछती कि माँ, अरे मोरी मैया नहीं आई लई रुदल भैया हो, अरे के नाम से गेड़ुई छोड़ी नहीं रुदल भैया। तब तक बोला रुदल बनी के कृष्ण कन्हैया हो, बहिनी समझा धर्म का भैया हम ही के रुदल भैया। अरे भले जोगी बाटी है बहिनी
लेकिन समझा रूदल भैया हो, अरे हमरे नाम से दई के गेड़ी छोड़ा बहिनी कन्हैया। हाय हाय, कहा कि हम कन्हैया बन के आए हैं और तुम द्रौपदी हो, बहन छोड़ दे गेड़ी। जब गेड़ी रूदल नाम से रूदल के पहचानती ना, लेकिन रूदल के नाम से रूदल जोगी को छुआ के गेड़ी और छोड़ देती है दोना में कई के तले। पीरथी घटवा वही परवा रहल हो भैया, पीरथी तब देहल अरे लल कारी बलवान। आप बहादुरो क्या देखते हो, कुछ ना पौला तई गेड़ी ये कर ले लिया। अरे गेड़ी ले के भाग चलल जाए दिल्ली गाँव, अरे यही गेड़ी के सेनुरा पहिरावल जाए चनवाया कह के शादी लिहल जाए कारा। देखला भैया, अरे कहल जाला भगले भूत के नगोटियो भला, पृथ्वी राजा कुछ ना पौलत का तो गेड़ुए ले ला, गेड़ुई लेके चला सेनू पहना दिए जाइए गेड़ुए के समझ जाइए कि है चनवा। तो देखा सधिया बुताव खातिर कुछ ना पौले गेड़ुई पै टूटे भेड़ुई पर। अरे जब गेड़ुई दोनों में करके सागर में तैरा देती है चंद्रावली, उस समय थाधु को ललकार देता है पृथ्वीराज, क्या देखते हो, दौड़ जाओ कूद जाओ इस सागर मदन ताल के घाट पर और गेड़ुई लेके आ जाओ। अरे लेके तलवारिया या कहा थवा में धाधु, अरे लेके तलवारिया धाधु कूद गई ले वही गेड़ुई पे हाथवा लगा। ललकारी देहले अपने जंघिया पैतरवा बजाए देहले, अपने जंघिया पतरवा बजाए देहले, बजरंग नरवा लगाई देहले लेके तेगवा समुद्रवा में कूद लैले। लेके तेगा रुदल जब कूद पड़ा सागर मदन ताल के बीच, अरे लेके गेड़ुईया जहां भागल जात पौलत रहल जेकर धाधु सिंह है नाम, अरे पहुंच के नीरुदल अब दौड़ी के आवे घेरा और पाय। अरे कूदी गया लबे दुल कया सवार, अरे खींची के रे तेगा मर हो गए दाना पर धाधु सोचल जनवा चली जाई है लेके गेड़ुईया पानी यही में आवे डूबी, लेके गेड़ुईया पानी यही में डूबी गई। जब गेड़ुई लेकर के पानी में डूब गया सजनों तो हुआ क्या, अरे रुदल पानी में खोजत लाग, अरे बुढ़ुआ बन के रुदल अब खोजे हो बाबू लागल हो देखा है तमसा अब बरा। तमाशा की बात है, ये बाबू जब गेड़ुई लेकर डूब गया लेकिन खोजते 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 और जब सांस फूले लागल, अरे धाधु के तो धाधु जैसे मुड़ी निकाल तब तक रुदल तेगा लेके उनके कपराई पिया चलाए। आय बुड़ी गई धाधु अब गेड़ुई छोड़ी के रुदल गेड़ुई पावत बाय, अरे गेड़ुई हाथ में रुदल लहलत अरे अब भागे धाधु बलवान। सांस फूली गया धाधु सिंह का तपृथी राज से कहे सुनाए, अरे बाबू आई ना अब बचब हुआ तक ये खोसी दल तलवार। गेड़ुई रुदल लेके सरवा के फिर निकले बहिनी के पास, तब चंद्रावली अरे कंगना इनम बल दलसी जगिया के
अरे रखिया कलैया बनल सी सरकार। तब तक चंद्रावली अब दूसरी गुड़ी लेके छोड़ रही है। दूसरी गुड़ी का दास्तान इस तरह से है सुनजनो, जिसमें दूसरी गुड़ी लेकर छोड़ा है तो कहा कहां पाऊं आल्हा भैया को, उनके नाम से गेड़ी दू शेरवाए, और तब तक लाखन ठड़े हो गए। बहनी सुनो धर्म की बात, अरे हमके आपन आल्हा भैया समझो या अपन गेड़ी देव शेरवाए, अरे लाखन के गेड़ी अरे छुआ लगली, लाखन के आल्हा कही के गेड़ी शेरवाए लगले। भैया जब लाखन के छुआ करके और आल्हा के नाम से गेड़ी छोड़ा है, उसमें विराज ललकार दिया कि पारस तुम कर्ण के अवतारी को क्या देख रहे हो, और जाओ और लेकर भाला और कुदल पारस बलवान, अरे लई के नि भलवाई अहवर लाई खाना कूदल सागर मदन ताल के पास। अरे दुनो यव जवानवा भाला वैसे घामा सनवा कैले, ये बबू पानी एक बीच माझा, अरे पानिया में जंगा में चलो दूसरे, यही से लड़ैया कई नाम पड़ी जा, तीरथ सागर भुजरियों की है हम लड़ैया। आप देखिए इसी से इस लड़ाई का नाम तीरथ सागर भुजरियों की लड़ाई पर। तो हुआ क्या, अब देखिए बात आगे फंस जाती है। जब खींची केरी भाला मारा लाखन सिंह, अरे दोना पकड़ लिया पारस बलवान, नहीं अरे भलवाई लागी गया हो पारस के, लेकिन भलवाई सरो कर कि कर्ण अवतारिक था पारस, उसके ऊपर सूरज की किरणें जब तक पड़ती रहे तब तक कोई मार सकता ना है, लेकिन पानी के अंदर वह खड़ा था और पानी में अगर डूब जाता, पानी से छिप जाता लेकिन सूरज की किरण उस पर नहीं पड़ती, तब उस पर भाला असर कर देता। लेकिन देखिए राम कमर जी गई गई, अरे खींची भालावा दिया मस्तक पे चलाए, और परस का मस्तक पानी से एक बीता ऊपर था, इसलिए मस्तक पर भाला असर नहीं कर सका क्योंकि सूरज की किरण उसके मस्तक पर पड़ रही थी। लेकिन दूसरा भाला लाखन जी उताना तब तक पारस किया क्या, अरे पारस बीरवा आपन भलवान लाखन के मस्तक पर दिया है चलाए, बड़ा बलवान रहा लाखन बलवान, देखा कि भाला मस्तक पार हो जाएगा। अरे वही समय में लाखन ठाकुर सात कदम पाछे हट जाए, पाछे पैर हटा दिया, भाला पानी में गिर पड़ा, लाखन फिर ललकारा बचो पट्टे आ इधर, दूसरा भाला फिर जब पारस निकाला कि लाखन पर प्रहार कर दूं, अरे तब तक लाखन खींच करके आला पारस के छाती पर दिया जब चला, लेकिन भाई साहब गले तक पानी में खड़ा था पारस और मस्तक पर नहीं भाला मार के उसके छाती पर, लखन यह नहीं समझ के मारा कि इसके मस्तक पर सूरज की किरण पड़ती है तो इसके मस्तक पर नहीं भाला असर करेगा, यह समझ के मारे कि मस्तक पर नहीं असर किया इसके छाती पर निशाना ले लूं। अब छाती पर जब निशाना लिया तब भाला के वार से बचाओ ना पाऊं, कहे ना बच पाऊं, अपन निशाना फिट कर ले तब ले बीचों में अपन निशाना फिट कर ले। जब लखन अपना निशाना फिट कर दिया
तो उसके भाला हाथ में हाथ ही में रह गए, लेकिन लखन का भाला उसके छाती में जब चुभा, अरे तब दिन नवा तरा हो तर जाए, अरे छोड़ के या दोना बदहोश हो गई, छोड़ करके दोना बदहोश हो गई। गेड़ी हथवा सेनी छूट जाए, अरे लाखन दौर के नी गेड़ी उठावे, लेकिन दूसर भालावा कहे की देव मार, और तब ले तो चौड़ाए और कूदी बाबू गई, पारस के लहले अपने पीठिया उठा, पीठी पे जब उठा लिए तो पूरी शरीर पानी से ऊपर आ गई, और लेके भागते समय में लाखन भलवा मारा पाए, रस पे ए पारस पे आसर हो कर आसर कहले कि सूरज की किरण ऊपर पीठ पर पड़त रहे, क्योंकि चौड़ा अपने पीठ पर लात के लेके भाग रहा था, इस वजह से उसकी सीरत की किरण उस पर पड़ी, इस वजह से भाला असर नहीं किया, जब पानी के अंदर उसकी छाती थी तब उस पर भाला असर कर गया, क्योंकि सूरज की किरण पानी में नहीं असर कर पाई, इस वजह से पारस पराजित हुआ, और पारस को लेकर के बेहोशी हालत में चौड़ा भाग चले, तम्बू में लाखन गेड़ी लेके ललकार, अरे रुदल कह भाई भागे हुए के तो पीछा मत जावा लखन बलवान, गेड़ी सिरवाई देव घटवा पय हमरो वचन पूरा हो जाए। मलहन मात से वचन वादा किया कि गेड़ी देव सागर पसे, तो वचन पूरा कर दो यही यही पे, भैया सुन लो बात हमार, लाखन छोड़ी दी अब पायरस को तैयार गेड़ी के दीहन सरवाए, आय हाय भैया तीसरी बार तब गेड़ी अलई के तो कहने ये लगी चना दो, अरे भैया दे भाई तिवारी कहवा ये पाहू अब तो उनके नाम से दे गेड़ी सेरवाए, तब तक दे भाई ती गाय लेके अब समले पहोई गए ठार, कहन की जोगी मैं हूँ लेकिन देभा नहीं है, तो जे देभा को समझ के मेझे गिरुई छुआ के छोड़ दे बहन, तेरी गिरुई को हम सिरवाएंगे, हमने कसम खाया है, देवा तिवारी कही के जोगी देवा के, अब चंद्रावली गिरुई छुआ, अरे देवा भैया कही के गिरुई छुआ हो बहिनिया हो, ना जा नहीं देवा भैया जोगिया बलि के आवा हो, इवाऊ छिपे पुजारी बन के देवा रूदल अरे बल करिया हो, और देवा नाम से गेड़ुई फेंका चंद्रावली बहिया, और तब तक चौड़ा कूद पड़े हैं अब गेड़ुई पर हाथ लगाए, और तब तक देवा तिवारी तेंगा लाइके टूट पड़ी डर राय, समल बहादुर समय बहादुर तेरा काल गया न बिचाए, अब न बच के हमसे यही ब्या मार मुल्के दम को जाओ, हाथ बड़ाई बा जब गेड़ी पर तोहरा हाथ ले बकटवाए, आँख लगाई बा जब गेड़ी पर तोहरी आँख ले बकड़वाए, गर्दन उठाई बा गेड़ी पे गर्दन तोहरो ले उड़ाए, बचो बहादुर बचो बहादुर तेरा काल गया न गिचाए, धमकी दई के जभा तिवारी यापन कूद पड़ो लड़कार, पानी पोरसन यहाँ पर पौड़े तहाँ पर पौड़ी पहुँचा जाए, भाई लड़ाई अब चौड़ा से सागर मदन ताल दरम्यान, कठिन लड़ाई घंटन हो गए दे भाई और चौड़ा दरम्यान, चौड़ा समझ गए अपने मन अब थकने को आए चौड़िया जान, अब तो चौड़ा मन में सोचे
कब तक एक हाथ से पौने एक हाथे से तेगा चलाए और डेवा तिवारी एक हाथ से पौने यग से चला रहे तलवार वार पवार कटाई मर देन कई ला देख नारायण चार देवा था पुजारी अब दुर्गा गई हाय देवा था ये पुजारी बाम की कई चौड़ा बाम की पुजारी दोनों ब्राह्मण ब्राह्मण भिड़ गई देखा नारायण चौड़ा कहले हरे बाम की बहुत ही पूजा खयो हमार अगर हार जाबई ऐसे हम खनिके चौरी देव भाई देवा तब घुड़के लगलाए हैं कहवा बम की गई हमार अगर मात धोखा दई देव खनिके चौरी देव भाई बाम की या कहा हरे बाप रे बापा पूजो खैले में सा साथी है भाई के भागवती अब का गाना वह मैं उड़ी गई लिया पुणे बल पे दोनों गाय कालवा लेकिन घंटन बीती गयल सागर में क्यों क्या हार जीत भैला तब तक धोखा दई के चंगला देवक मस्तक दिया चला देवा समझ गयो अपने मन अब तो दई जान से मार दरिया डूब गई लाई पानी में सारे कई तेगा हट जाए चौड़ा कई जब तेगा झुक गई तब देवा फन से ललका पानी में छिपत छिपत अब देवा डूब गई देवा तिवारी महाराज देखो चला की छोट तिवारी गुण में यागर देवा यकीन में होशियार आए पानी में बुआ बन करके अब चौड़ा के पीछे जुड़ जाए चौड़ा यगवाई ताकत बाट कौनी वर गई देव महाराज चौड़ा सोचत हूँ की लग गया तेगा पानी में मर के डूब गए और चौड़ा ले के दोना हाथ में सोचत हूँ की वापस चली आओ जाओ वापस भये और देवा तिवारी छिपे छिपे पानी के अंदर जैसे चौड़ा पिछौड़ भैल जवान नहीं अरे तब ले तो तेगा तिवारी लेके से मारी हो पछवाइसे तेगा तिवारी बाबा मारले चौड़ा के चमक तेगवा के गए देखा आए और चौड़ाई औ पंडित पानी में डूब गई ओ लेकिन हाथ पे लागल होता और केहनी से हाथा पार हो गई यक हाथ के बज गई ले चौड़ाए मारले हथवा में गेड़ुआ लहले तू है हाथ है चौड़ा के पार हो और चौड़ा कहले हो बाप रे बाप अरे ऐसन गेड़ुई उफार पारी जाए एक थे हाथ मोरा गायब लेके भुजा चौड़ा के अब दोना अब देवा देहले ललकार आवा चौड़ा आवा चौड़ा तोहर जाए फरियाद एक हाथ से चौड़ा या भगल की ऐसे गेड़ुई ऊपर पड़ जाए हाथ कटल चौड़ा कैले के गेड़ुई अले के देवा महाराज आइल चंद्रावल के समनवा गेड़ुई घाट पर दिल शेर चंद्रावली से कहा कि बहन मैंने तुमसे कसम खाया था मैं जोगी के बनके तेरे आंगन में कि भिक्षा दो इसके बदले मैं वचन देता हूँ कि जे तेरे डोले पर हाथ उठाएगा उसका हाथ कटवाऊंगा जो आंख उठाएगा उसकी आंख निकालूंगा जो गर्दन उठाएगा उसकी गर्दन उड़ाऊंगा तो बहन अरे बहिनी तोरे साथ बचनिया निभाई दहली देख दुश्मन के भुजा हम लियाई दे देखा दुश्मन के भुजा हम लियाई दे चंद्रावली अब विभा तिवारी को पुरस्कार चरण पूजती हुई और
कलाई में राखी बात के कहती है कि सोवर कलाई वानिला राखी हमारे वीर सोवर राखी वानिला कलाई हरत वीर ना हमारी धर्म बचवला हमार बीर आज धर्म बचवला हमार बीर अरे आयल होता जोगिया हमार बीरन होता जोगिया हमार बीरना पापी लूटत इजतिया हमार पापी लूटत समय पृथ्वीराज जब लाचार हो गया कुछ और से तो भागा आपन पीठ देखा अरे लौटे ये जोगी अब मोह बाई के तो मलहनाई जोगी से पूछे ब्रह्मा आई गए या सागर पत आए गए राजा अब पर पूछन परिचय लगे ये जोगी अन के अपन परचैया बता द बाबुआ अपन परचैया बता दो बबुआ जोगी कहवा से आईला बता दो बबुआ जोगी कहवा से आईला तू बता दो बबुआ हाय हाय तब तक रुदल कहा साफ पता बताइबे मौसी सुना मौसा पानी हम के मत पियावा हमार मौसा तब शक हो गई कसम खाए थे राजा कसम खाए कि हम पानी नहीं पिलाएंगे लेकिन परिचय दो कहा कि अपने सुमन चिन्ह न मौसा रुदल बेटवा गोदी कई तुहार मौसा बोला मौसी अरे सात सोतिया का दूधवा पियाउल मौसी तोहरे दूधवा कै की मातिया चुकौली तोहरे दूधवा कै की मातिया चुकौली मौसी अरे देवा तिवारी के बोलौली मौसी लाखन मिंतर के नी संगवा मेली चाचा दाढ़ी रखौले लियैली मौसी अपन जोगिया कबे सवा बनौली मौसी तब तक मलहना और ब्रह्मा और राजा परमाल तीनों लपट गई रुदल की गले से मुख चुम चुम के रोवे लाग अरे गले लगाई के यतना ये रुएत जैसे मिले थे भरत से राम परमल कहे बेटा कसम हम वापस कर लेते अब मती छोड़ो महो बाएगा रुदल कहले पानी तब आई के मोह बापी अब आल्हाय भैया से माफी मांगव आल्हाय भैया के चुप के हम आयल बाटी ता से या रुकब महो अब हम जैब कनऊ शहर में तो कोई मुसीबत फिर पड़ जाए बिहार खबर आल्हा के मनावै तब तवै महो यही कही रचला शेर रुदल सिंह अब कनऊ जक पकड़ के जैसे राम जी छोड़े अयोध्या तो ब्याह फूल हुए अवध के वैसे रुदल चल कनऊ में तड़फन लगे मोहवा के भैया यही विधेती कीरत सागर और भुजरिया लड़ैया दीपक गायक दिए सुनाए।